ये है हमारा मोंटी ब्राउन। बच्चों के घर, बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही हूँ सुपरमार्केट। और ये ऐसा है कि जैसे न्यू एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, बच्चों को घर पे छोड़ के जाना अकेले फ्री फ्री। मोंटी ब्राउन ये हिल पे है, जहाँ हमारा घर है वहाँ पे सबसे ऊपर है इस एरिया का मतलब। हम जा रहे हैं पिंगो दोस। और क्या बाय करने जा रही हूँ मैं, कैन यू बिलीव, डायपर स्पेशल बेबी का। कोई और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद कोई स्पेशल डिमांड नहीं होती है, कोई स्पेशल परचेजिंग नहीं होती है बच्चों की परचेजिंग के अलावा। पिंगो दोस्त, पिंगो यानी कि ड्रॉप दोस्त, मीठा इन पोर्चुगी कैन से मीठी बूंद इन पोर्चुगी, नॉट इन पोर्चुगी इंग्लिश, इन हिंदी। इस एरिया में मैं रह रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से, मोर देन 6, हाँ यह मोर देन 6 ईयर्स से इस एरिया में। अच्छा है, नाइस है, शांत है, मुझे शांत एरिया अच्छे लगते हैं। नज़दीक नज़दीक सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कैफेज और सेंट्रो दो सऊद क्लिनिक जिसको बोलते हैं, सेंट्रो दो सऊद, और बच्चों के स्कूल वगैरह, पार्क वगैरह। अच्छा है, शांत, मुझे वैसे भी भीड़ भड़ाकर पसंद नहीं है। ऐसे सोचती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, पर बच्चों के साथ निकलती हूँ तो ब्लॉग बना नहीं सकती हूँ, उन पे ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक आफ्टर 5 ईयर्स मैं सोचती हूँ कि बताऊँ। दो रास्ते हैं जैसे जाने का, एक इधर को जाने का, एक उधर को जा सकते हैं और एक इधर से जा सकते हैं। सो हवा चल रही है, मौसम ना इतना अजीब सा है, रात को कभी ठंड हो रही थी और कभी गर्मी हो रही थी। यूजुअली हम जो है समर में विंडो ओपन करके सोते हैं सारी रात, तो पर एक बार ठंड होने लगी तो विंडो क्लोज की फिर ओपन की। ऐसे ही जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसका नाम होता है फ्लावर का, द पिंक फ्लावर। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, और अलग अलग टाइप के भी, एक और टाइप के हैं यहाँ पे फ्लावर। पेड़ पे वो भी ना ऐसे वृक्ष पर, ट्री पर, तो फिर ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ऐसे लगता है पूरा पेड़ से ज़्यादा। ये भी कितना प्यारा है, नेचर बहुत पसंद है मुझे। ये लोग ना ऐसे अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखते हैं हरियाली, पोर्चुगी है लोग हैं या फिर अदर कंट्री में। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा चल गया है इंडिया में कि काटते हैं ना फॉरेस्ट जो है उनको, काटते हैं और ज़्यादा जो है वो बनाते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं ज़्यादा। इसीलिए जो हिल एरिया हैं अभी इंडिया में वहाँ पे ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं और ज़्यादा ये बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लड और भूकंप और ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और इन्वायरमेंट का बिल्कुल वो हुआ पड़ा है। वी कैन नॉट से कि भी सर्दी है गर्मी है ये है, मतलब चेंज हो जाता है एकदम एकदम।
वो इसीलिए कि वो हिल एरिया है वहाँ पे, जैसे कि हमारे बड़े टेंपल हैं और ऐसे धार्मिक स्थान हैं हमारे, तो वहाँ पे था कि शांत होना चाहिए वो एरिया, जैसे शांत होनी चाहिए, पर वो है नहीं है अभी। लोगों ने उसको क्या बना लिया है, पैसे बनाने का जरिया बना लिया है ऐसे एरिया को, वहाँ पे होटल्स बना के और वहाँ पे बिल्डिंग्स बना के और उनको सेल करके, तो इसीलिए फिर वो अभी जो वहाँ पे चला है सिलसिला एक हिल्स में, कि बहुत वो आ जाता है, फ्लड आ जाता है और भूकंप आ जाते हैं, पहाड़ियाँ हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। तो वो सब जो बनाया है, जो एक्स्ट्रा है उस धरती के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है वो सब प्रकृति अपने आप ही नष्ट कर देती है ऐसा। क्योंकि एक एक अनुपात होना चाहिए ना, एक प्रोपोर्शन होना चाहिए भी, इतने में आपके घर बने हुए हैं रहने का है जो ह्यूमन है उनके लिए, और इतने में प्रकृति को रहने का, पेड़ पौधे घास जानवर यू नो पहाड़ नदियाँ उनको रहने दो शांति। वहाँ पे रीज़न भी यही था कि जो हमारे बड़े हिंदू टेंपल हैं वहाँ पे, कि शांत एरिया है, एक अच्छी वहाँ पे लगता है जाके उस एरिया में, एक सुकून मिलता है और वो डिफरेंट है हमारे जो रहने के स्थान है उनसे। लेकिन अब लोगों ने वही कर लिया है, हर जगह हर कोई लालची हो गया है, लालच बढ़ गया ना, पैसे का लालच ज़्यादा बढ़ गया कि हर एक एरिया को ऐसे ही बना लो, नोट छापे की मशीन बिल्डिंग्स बना लो बड़ी बड़ी, वो तो कोलैप्स होगी ना इस एरिया, और टूरिस्ट प्लेस बना दो उसको।